नमस्कार, मैं हूं नेहा बैनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। सर मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला, कौन है बदमाश? आज चेकिंग की जा रही थी कटरोली और बीआरटी चौकी रोड पर, तो जब चेकिंग की जा रही थी सामने से एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति संदिग्ध नजर आ रहे थे, तो इंस्पेक्टर साहब ने हाथ दिया, हाथ उन्होंने रोका नहीं, जंगल की तरफ भागे। जैसे पीछे से पुलिस भागी, उन्होंने फायर किया पुलिस पर, तो पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया। एक बदमाश के गोली लगी और एक बदमाश भागा, उसको पकड़ लिया गया। जिस बदमाश गोली लगी उसका नाम आलिम उर्फ आलम है, उस पर 15,000 का इनाम है और लगभग आधा दर्जन संगीन अपराध उसके खिलाफ पंजीकृत हैं। दूसरा व्यक्ति जो बदमाश से गिरफ्तार हुआ है उसका नाम वकील है। किस तरह के बदमाश है सर, एक किस तरह का रिकॉर्ड है इन लोगों का? नहीं, इनके पर डकैती भी है, हत्या भी है, लूट भी है, अच्छे संगीन मतलब हीनियस ऑफेंसेस इनके खिलाफ पंजीकृत है। अच्छा, पूछताछ में पता चला हो कहाँ जा रहे थे, क्या कोई घटना को अंजाम देना था? नहीं, अभी इसमें हम जानकारी कर रहे हैं। बात क्या बरामद हुआ? जो घायल है उसके पास 300 बोर तमंचा बरामद हुआ है कि जिंदा कारतूस, और जो पकड़ा का बदमाश है वकील उसके पास से 12 बोर तमंचा और जिंदा कारतूस, खोखा और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इनाम भी था सर? 15,000 का इनाम है मुरादाबाद से।